अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपने पीई रेशियो के बारे में काफी बार सुना होगा, और हमें ये बताया जाता है कि एक कम पीई पे स्टॉक खरीदने को ही वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इन्वेस्टिंग बहुत ईजी होती और हम किसी भी स्क्रीनर पे जाते और स्क्रीन लगाते कि जो भी सस्ते पीई वाले स्टॉक हैं वो हम देखें और उनमें हम इन्वेस्ट कर दें, तो हो गई हमारी वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो जी बिल्कुल, ये इतना आसान नहीं हो सकता। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे पीई रेशियो की पूरी सच्चाई, और ये जानेंगे कि पीई रेशियो क्या होता है और किस सिचुएशन में हमें पीई रेशियो का यूज़ करना चाहिए और किस सिचुएशन में हमें पीई रेशियो का यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि पीई रेशियो क्या होता है और कहाँ हमें पीई रेशियो का यूज़ करना है और कहाँ हमें पीई रेशियो का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब ये है कि अगर आज एक कंपनी 1 रुपया कमा रही है तो उस 1 रुपये की कमाई के लिए मार्केट उसको कितने गुना पैसे देने को तैयार है, यानी जो उसका प्राइस है और जो उसका अर्निंग्स है उसका क्या मल्टीपल मार्केट उस कंपनी को देने को तैयार है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए दो कंपनीज हैं, एक है कंपनी ए बी सी और एक है कंपनी एक्स वाई जेड। तो जो कंपनी ए बी सी है उसका और जो कंपनी एक्स वाई जेड है उसका जो अर्निंग पर शेयर है वो है 100 रुपया, लेकिन जो दोनों का प्राइस है उनमें काफ़ी डिफरेंस है। तो जो कंपनी ए बी सी है उसका जो प्राइस है वो है 1000 रुपया, यानी पर शेयर 1000 रुपया, और जो कंपनी एक्स वाई जेड है उसका जो पर शेयर प्राइस है वो है 2500 रुपया। तो अब हम अगर दोनों कंपनीज का पीई रेशियो कैलकुलेट करें तो जो कंपनी ए बी सी है उसका जो पीई है वो है 10 रुपया, यानी कि प्राइस अपॉन अर्निंग्स। तो जो उसका प्राइस है वो है 1000 रुपया और जो उसकी अर्निंग्स है वो है 100 रुपया, तो जो हमारा पीई रेशियो आता है वो है 10 रुपया। और जो कंपनी एक्स वाई जेड है उसका जो पीई आता है वो है 25, तो 2500 डिवाइडेड बाय 100 तो वो होगा 25। तो अब अगर हम सिर्फ पीई के बेस पे बात करें तो कंपनी ए बी सी हमें काफ़ी सस्ती मिल रही है एज़ कम्पेयर टू कंपनी एक्स वाई जेड, और दोनों कंपनी की जो कमाई है वो भी सेम है। लेकिन जो पीई रेशियो है ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि मार्केट बहुत स्मार्ट होती है। तो मार्केट अगर कंपनी को सस्ता पीई दे रही है तो हो सकता है उसका कोई वजह हो। तो उन सब इम्पोर्टेंट फैक्टर में से एक फैक्टर है अर्निंग ग्रोथ। तो अब हो सकता है जो कंपनी ए बी सी है वो आने वाले 3 सालों के लिए अपनी अर्निंग 10% से बढ़ाने वाली हो, और वहीं जो कंपनी एक्स वाई जेड है वो आने वाले 3 सालों के लिए 30% से ग्रो करने वाली हो। तो अब इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं कि क्या होगा उनके शेयर प्राइस पे इफेक्ट इसका, कि इसकी जो अर्निंग्स है कंपनी ए बी सी की वो 10% से ग्रो करती हैं और जो उसका पी है वो 10 पे ही रहता है, और वहीं जो कंपनी एक्स वाई जेड है उसकी जो अर्निंग्स है 30% से ग्रो करती हैं और उसका जो पी है वो 25 पे ही रहता है। तो जो कंपनी ए बी सी है वो पहले साल में कमाएगी 110 रुपया, और जो उसका पी है वो रहेगा 10, और जो उसका स्टॉक प्राइस है वो हो जाएगा 1100। वहीं दूसरे साल में जो कंपनी ए बी सी है उसके जो अर्निंग्स हो जाएगी वो हो जाएगी 121, और जो उसका पी है वो हो जाएगा 10, और जो उसका शेयर प्राइस है वो हो जाएगा 1210, यानी 1210 रुपया। और तीसरे साल में जो है कंपनी ए बी सी की जो अर्निंग्स है वो हो जाएगी 133 रुपीज़, और जो उसका पी है वो 10 पे ही रहेगा, और जो उसका शेयर प्राइस है 1330 रुपये पे हो जाएगा, यानी कि 1000 रुपये पे आज जो शेयर है वो 1330 का हो जाएगा 3 साल बाद, अगर वो 10% से ग्रो करता है, और हमारा जो टोटल रिटर्न है वो हो जाएगा 33%, जो कि एक बहुत ही बिलो एवरेज रिटर्न है स्टॉक मार्केट में। तो उसके बाद अब आते हैं कंपनी एक्स वाई जेड पे, जो कि अपनी अर्निंग 30% से ग्रो करने वाली है और उसका पीई भी 25 रहेगा अगले 3 सालों के लिए। तो पहले साल में जो एक्स वाई जेड है उसकी जो अर्निंग्स है 100 से बढ़ के 130 रुपये हो जाएगी, और जो उसका पी है वो 25 पर रहेगा, यानी उसका जो शेयर प्राइस है वो 3250 यानी 3250 रुपये पे पहुंच जाएगा। उसके बाद दूसरे साल में जो उसकी अर्निंग्स है वो हो जाएगी 169, और जो उसका पी है 25 पे रहेगा, और जो उसका स्टॉक प्राइस है वो हो जाएगा 4225। उसके बाद जब हम आएंगे तीसरे साल पे तो जो उसकी अर्निंग्स हैं वो हो जाएंगी 219 रुपया, जो उसका पी है वो 25 पे रहेगा, और जो उसका शेयर प्राइस है वो हो जाएगा 5000 से ऊपर। तो 3 साल बाद कंपनी एक्स वाई जेड का जो शेयर प्राइस है वो हो जाएगा 5475, यानी कि 3 साल में जो कंपनी एक्स वाई जेड है उसका जो रिटर्न होगा वो होगा 119% या फिर 24% कंपाउंडेड रिटर्न 3 साल के लिए। तो अब अगर इसे हम कंपेयर करें कंपनी ए बी सी से, जिसे हमने 10 के पी ई पे खरीदा था,
उसका जो 3 साल का रिटर्न है वो है अराउंड 33%। और वहीं अगर हम बात करें कंपनी एक्स वाई जेड की, उसका जो रिटर्न है वो है अराउंड 119%। तो यानी 3.5 से 4 गुना रिटर्न ज़्यादा देगी कंपनी एक्स वाई जेड महंगा पीई होने के बावजूद भी। तो इसीलिए सस्ते पीई पे स्टॉक खरीदना एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है स्टॉक मार्केट में। हमें और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए उसके साथ। तो सिर्फ पीई देख के स्टॉक ना खरीदें। और मैं अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि इस एग्जाम्पल से आपको समझ आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ पीई पे डिपेंडेंट नहीं रहना है और क्यों ऐसी सिचुएशंस में पीई हमें बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। तो चलिए अब जानते हैं हम कि कहाँ पे हमें पीई रेशियो का इस्तेमाल नहीं करना है। तो कोई भी कंपनी जैसे जो सिक्लिकल्स है, जो साइकिल्स में चलती है, जैसे कि रियल स्टेट हो गई या स्टील इंडस्ट्री हो गई, तो ऐसी कंपनीज में हमें पीई रेशियो का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। अब इसका रीज़न ये है कि अब एक रियल स्टेट कंपनी है, अब हो सकता है कि 1 साल में उसके 100 फ्लैट बिक जाएं और 1 साल में उसका एक ही फ्लैट बिके। तो ऐसे सिचुएशन में जिस साल में उसके 100 फ्लैट बिक जाएंगे, उस साल में उसकी जो अर्निंग्स हैं वो बहुत ऊपर चली जाएगी। और जो उसका पीई है, वो जो पीई रेशियो है यानी कि जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है, वो हमें बहुत कम दिखेगा। लेकिन जब साइकिल उल्टा घूमेगा, जब उसके जो सेल्स हैं वो कम हो जाएंगी, तो उसका जो पीई है हमें बहुत महंगा दिखेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमें कभी भी पीई पे रिलाई करके उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना। क्योंकि सिक्लिकल्स में होता क्या है, जब साइकिल्स नीचे होते हैं यानी कंपनी की अर्निंग कम होती है, तब हमें उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब साइकिल्स टर्न होगा यानी कि जब अर्निंग्स बढ़ेगी, तो उसका जो शेयर प्राइस है वो भी उसके साथ बढ़ेगा। तो सिक्लिकल्स में बेटर यह है कि जब कंपनी महंगे पीई पे दिख रही हो तब उसे खरीदें, और जब सस्ते पे दिख रही हो तब उसे बेचें। तो ये स्ट्रेटजी सिक्लिकल्स के लिए है, लेकिन हर एक कंपनी के लिए अलग स्ट्रेटजी आपको यूज़ करनी है। और हर एक कंपनी में सिर्फ पीई देख के आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। अब फॉर एग्जांपल कई गवर्नमेंट कंपनीज हैं जिन्हें मार्केट कभी भी महंगा पीई देता ही नहीं है, और वहीं एशियन पेंट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पेज इंडस्ट्रीज, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि बहुत अच्छी कंपनीज हैं और काफ़ी समय से अपनी अर्निंग्स और सेल्स को ग्रो करे जा रही हैं, और इसीलिए मार्केट इनको काफ़ी अच्छा पीई दे रहा है यानी काफ़ी प्रीमियम पे खरीद रहा है मार्केट इनके शेयर को। तो सिर्फ पीई के बेस पे शेयर ना खरीदें, हर एक फैक्टर को कंसिडर करें कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपको पीई रेशियो के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे आप जानेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर, और मैं आपके लिए लाता रहूँगा बहुत सा वैल्यूबल कंटेंट। तो एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।